everyone, this is astrologer Manisha Koushik behind the scenes and I have a lot of questions. और ये questions कहाँ से आए हैं? ये आप ही के लोगों के emails हैं जो मैं personally पढ़ रही हूँ आजकल और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गुरु astrologer Dr. प्रेम कुमार शर्मा, जिनकी बेटी हूँ मैं, मेरा सौभाग्य है ये, और उनसे मैं ये सवाल जो है वो करना चाहती हूँ. एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी हमने बात की इकोनॉमी की हमारे पिछले वीडियो की, उससे पहले हमने बात की कोरोना वायरस कब तक खत्म होगा, क्या विनाश होगा, करके हटेगा क्या ये. दैट इज़ हाउ आई वांट टू पुट इट इन अ वेरी कैजुअल लैंग्वेज. लेकिन आज का जो सवाल है, अभी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो डैडी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट हुए हैं, एंड आई थिंक आपने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि इकोनॉमी विल टेक टाइम, और वो टाइम का मेंशन भी आपने किया कि कब तक होगा. पर टूरिज्म, कितने लोगों ने अपने हॉलीडेज जो हैं वो प्लान किए थे और नहीं जा पा रहे. इनफैक्ट मुझे लगता है कुछ जो है वो इस टाइम डर के कारण भी नहीं जा पाएंगे, इवन इफ द टूरिज्म सेक्टर वॉन्ट्स टू रिवाइव. तो क्या हमारी जिंदगी में वो छुट्टियाँ वापस आएंगी, इस साल वो वापस आएंगी, क्या हम अपने फैमिलीज के साथ कहीं घूम पाएंगे? दोनों सवाल मेरे लिंक्ड हैं. एक पर्सनल, जो कि लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये हॉलीडेज जो हैं वो इस साल हमें देखने को मिलेंगे, और सेकंड, जो लोग टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कि क्या टूरिज्म सेक्टर रिवाइव कर पाएगा, उनको रिवाइव करने में कितना समय लगेगा. थैंक यू वेरी मच मनीषा जी. नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, मेरा यानी कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा का हार्दिक नमस्कार. दोस्तों, जो मनीषा जी ने सवाल पूछा है कि क्या ये टूरिज्म सेक्टर उठ पाएगा, क्यों? क्योंकि घरों में बैठ के लोग हो गए बोर, उनको लगता है कि थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए. हर बंदा कहीं ना कहीं आना जाना चाहता है, एक बंधन में नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल काम है. एग्रीड. इसीलिए मनीषा जी, जो आपने सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ कि जो टूरिज्म का सेक्टर है, क्या ये फिर से रिवाइव होगा? पहला सवाल, जी हाँ बिल्कुल होगा. आगे सवाल आता है कब होगा, आप इसकी झलक आप मई के अंदर ही देखेंगे कि कुछ रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देने लगे. कुछ रिफ्लेक्शंस, मतलब बहुत एनकरेजिंगली नहीं, हल्का सा उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे हिंदुस्तान की ही अगर हम बात करते हैं, तो एक दूसरी जगह से, चलिए मान लो विदेश जाने की बात तो बहुत दूर की हो गई, हिंदुस्तान के अंदर जाने के भी सारे साधन, सारी ट्रेन्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, सारे साधन ख़त्म हैं, तो बंदा क्या करे? अगर कहीं किसी रिश्तेदार के जाना हो, किसी दोस्त के जाना हो, तो जा ही नहीं सकता. अभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है. सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलना है, और साथ में स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, ये बहुत ज़रूरी है. मगर जो मनीषा जी आपका सवाल है कि क्या ये रिवाइव होगा, जी हाँ रिवाइव होगा. कब रिवाइव होगा ये आप देखेंगे कि मई से इसकी हल्की सी रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी. कुछ जगह के जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं वो खुल जाएंगे, एंड जून में आप देखेंगे, हो सकता है कि मई के अंदर ही इसका, जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी. कुछ जगह के लिए फ्लाइट्स का आना जाना, एविएशन सेक्टर जो है, आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री, ना ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से सफ़र कर गई है. बहुत इनसिक्योरिटी उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी आ गई है, और साथ में उस इंडस्ट्री को भी आ गई है. नौबत यहाँ तक आ गई, लग रहा है कि कहीं वो रिवाइव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है. लेकिन इनकी रिवाइवल होगी, जिसका इफेक्ट आप देखेंगे कि मई इसके महीने से शुरू हो जाएगा, एंड जून जुलाई के अंदर खास करके इन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आप डे बाई डे देखते जाएंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर. खास तौर पर कुछ एरियाज़ हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि कैसे वो जो हो गए, उन जगह पे हो सकता है कुछ एरियाज़ को छोड़ करके बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं या टूरिज़्म के साधन हैं वो फिर से रिवाइव होने शुरू हो जाए. फिर भी कुछ समय ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चलते ही रहना होगा, पूरी प्रिकॉशन लेके चलते ही रहना होगा, ये बहुत ज़रूरी है. सितंबर तक ध्यान रखिएगा इस बात को, सितंबर तक फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
करके चलना है, अपनी प्रिकॉशंस लेके चलना है, लेकिन सितंबर से पहले पहले इंडस्ट्री टूरिज्म वाली, एविएशन वाली और हॉस्पिटैलिटी वाली ये रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी रिफ्लेक्शन आई एम रिपीटिंग इट अगेन मई जून से आप देखेंगे, मई एंड से या 15 जून से पहले पहले यू विल फाइंड इट चेंज इन इम. बट रिवाइव तो अभी अभी वाला जो बिजनेस है दे विल स्टार्ट डूइंग इट अगेन, बट जितना ये कह लो कि बैकलॉग है या प्रॉबेबली जो हम डाउन जा चुके हैं, टूरिज्म है या एविएशन सेक्टर है, उनके बिहाफ पे आई वांट टू आस्क यू कि वो ग्रोथ वापस आपको सिग्निफिकेंट कब नजर आती है. जो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने किया था कि फाइनेंशियली देश और दुनिया को एक बहुत बड़े झटके वाले दौर से गुजरना पड़ेगा. ये 2.5 साल का सफ़र है जिसमें से 3 महीने निकले हैं, 2.25 साल बाकी हैं. मगर साथ में मैंने ये बात भी कही है कि अप्रैल 2021 के बाद जो है इकॉनमी के अंदर या जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो, टूरिज्म की इंडस्ट्री हो, उनको ग्रो करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके लिए उनको सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगी. प्लैनेटरी पोजीशन इस समय की, जिस समय आपने ये सवाल पूछा है, ये कहती है कि थोड़ा सा स्ट्रगल वाला समय है जिसके लिए अप्रैल 2021 तक स्ट्रगल करना होगा और अप्रैल 21 के बाद अपने पुराने मोड पे वापस आना शुरू हो जाएगा सिस्टम. तो तब तक थोड़ा सा सबको मिलकर के साथ देने की जरूरत रहेगी, जो उनका जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो भी, जो इंडस्ट्री को चलाते हैं फाउंडर्स हैं या उनके जो स्टाफ वाले हैं, तो सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा और मुझे लगता है सब लोग साथ देंगे भी. पर इन टूरिज्म इन्हीं सेक्टर्स में अगर हम बात करें, जस्ट बिकॉज कि मैक्सिमम बिजनेस जो है वो रुक गया है, तो बहुत लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा भी रही हैं, ऐसी न्यूज़ में है कि जाएंगे भी, तो ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें. बिल्कुल मनीषा जी, लास्ट वीडियो में भी आपने ये सवाल पूछा था. आप यू इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इन सभी सेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार हमारे मेल बॉक्स में आते जा रहे हैं. बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आपने यही सवाल पूछा था. ये रिसेशन का समय है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयर जो है जब उसके पास साधन नहीं होंगे तो वो कहाँ से पैसा दे पाएगा. तो इसलिए उस रिसेशन में थोड़ा सा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को मिलके अगर जो झेलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. इस इनसिक्योरिटी से डरना नहीं है, ये लंबे समय की गेम नहीं है, कुछ समय ही झेलना पड़ेगा. बस यही मान के चलिए कि ये लॉकडाउन थोड़ा सा लंबा हो गया. यस, जॉब इनसिक्योरिटी है, मैं मानता हूँ. जॉब रिसेशन है, मैं मानता हूँ. मगर क्या ये जॉब रिसेशन हमेशा ही ऐसा चलेगा? क्या ये सैलरीज कम ही होती जाएंगी? नहीं कम होंगी. जैसे सेक्टर उठेगा उसके साथ लोग भी तो उठ जाएंगे, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी. आप देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान में ही देखिएगा, जो आपने सवाल पूछा उससे थोड़ा सा हट के जवाब दे रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में, जो मैंने नया साल शुरू हुआ था पहले दिन में भी मैंने बोला था कि हमारी हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जो हमारे शुरू हो गया है, हर तरीके से शुरू हो गया. तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, इंडस्ट्री उठेगी, लोग भी उठेंगे और एविएशन टूरिज्म सब हॉस्पिटैलिटी बेटर होंगी. नथिंग टू वरी अबाउट. आपने जो इतना अच्छा लास्ट में जाते जाते लेकिन मुझे और क्यूरियस कर दिया है कि अबाउट द इंडस्ट्री सेक्टर, आई थिंक मुझे एक और वीडियो करना चाहिए एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी सुनना है हु आर वर्किंग इन दैट सेक्टर. सो लेट मी स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज ऑन यू नो टूरिज्म एंड एविएशन सेक्टर. और अब इंडस्ट्री के लिए बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई एम नॉट लेटिंग यू गो एनीवेयर. थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू मनीषा जी, गॉड ब्लेस यू.